आज हम इस तरह के वाइट जेको मोती, इस तरह के पिंक जेको मोती और कमल पदक से कमल माला बनाएंगे। इसके लिए सुई और धागा लेके सबसे पहले हम 4 वाइट मोती लेंगे। इस तरह से वाइट मोती लेके इसमें गांठ लगाएंगे। वाइट मोती हमने जो डल मोती आते हैं वो लिए हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर के मोती भी ले सकते हैं। इस तरह से हम एक पैटर्न बना लेंगे। अब हम एक वाइट मोती लेंगे और आगे वाले वाइट मोती में निकलेंगे। फिर से एक वाइट मोती लेंगे और आगे वाले वाइट मोती में निकल जाएंगे। फिर से एक वाइट मोती लेंगे और उसके आगे वाले मोती में निकलेंगे। फिर से एक वाइट मोती लेंगे और उसके आगे वाले मोती में निकलेंगे। इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद हम जो बीच वाला मोती है वहाँ तक आ जाएंगे। इस तरह के सेंटर के मोती में सुई निकाल देंगे। अब हम फिर से 4 वाइट मोती लेंगे और उसी वाइट मोती में से निकलेंगे। अब हम एक वाइट मोती में से निकल जाएंगे। फिर से हम एक वाइट मोती और उसके आगे वाले वाइट में से निकलेंगे। फिर से एक वाइट मोती लेंगे और उसके आगे वाले मोती में से फिर से एक वाइट और आगे वाले मोती में से। तो इस तरह से एक दूसरी पैटर्न साथ में बन जाएगी। अब हम ऐसे ही बिना मोती के बीच वाले मोती में निकल जाएंगे और अब बाजू वाले मोती में से होके सेंटर वाले मोती तक इस तरह से सुई को पसार कर देंगे। अब हम फिर से 4 वाइट मोती लेंगे और उसी वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से इस तरह से हमने जो 4 मोती लिए थे उसके पहले मोती में से नीडल निकाल देंगे। अब हम फिर से एक वाइट मोती और आगे वाले मोती में से निकलेंगे। फिर से एक वाइट मोती और आगे वाले मोती में से फिर से एक वाइट और आगे वाले मोती। इस तरह से हम ये पैटर्न बना लेंगे। अब हम फिर से सेंटर वाले मोती तक आ जाएंगे। हमें हर बार सेंटर वाले मोती तक आना है और उसके बाद एक पैटर्न बनेगी। तो इस तरह से हम 8 बार पैटर्न बनाएंगे। अब हम साइड वाले मोती में से जो ऊपर की साइड का सेंटर का मोती है वहाँ पे जाएंगे इस तरह से। अब हम 3 पिंक मोती लेंगे और जो आगे वाला सेंटर मोती है उसमें से निकलेंगे। फिर से 3 पिंक मोती लेंगे और आगे वाले सेंटर के मोती में से फिर से 3 पिंक मोती और आगे वाले सेंटर वाले मोती में से फिर से हम 3 मोती लेंगे और आगे के मोती में से। तो इस तरह से हमने जो 8 बार पैटर्न बनाई थी सारे में से हमें 3 पिंक मोती लेके पसार कर देना है इस तरह से। तो अब हम लास्ट टाइम हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम सुई को सामने की साइड ले जाएंगे इस तरह से। अब जो सामने की साइड बीच वाला वाइट मोती है वहाँ पे निकलेंगे इस तरह से। और अब वहाँ पे हम जैसे आगे की पिंक मोती डाले वैसे ही यहाँ पे भी पिंक मोती डाल देंगे और सेंटर वाले मोती में आके फिर 3 वाइट मोती लेंगे इस तरह से। अब हमारा जो पदक है वो लेंगे
उसका जो पहला होल है उसमें से हम निकलेंगे। अब नीचे तीन पिंक मोती लेंगे और जो लास्ट वाला होल है उसमें से इस तरह से सुई को निकालेंगे। अब वहाँ पे भी हम तीन वाइट मोती लेंगे इस तरह से। और हमने जैसे ये बेल्ट बनाया वैसा एक बेल्ट बना के रखा था, उसको उसमें जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से दोनों पार्ट रेडी हो गए माला जी के। अब हम वहाँ पे साइड में से ऊपर के मोती में जाके वहाँ पे गांठ लगा के धागे को कट करेंगे इस तरह से। वहाँ पे साइड वाले मोती में निकलेंगे और वहाँ पे गांठ लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही खूबसूरत कमल माला बनके रेडी हो गई है। ये कमल माला आप एक ही पदक में से बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।